हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश। तो ये गाड़ी 4 स्ट्रोक गाड़ी है और 2 स्ट्रोक गाड़ी का, दोनों का ग्रीसिंग कर सकते हो ऐसे वीडियो देख के आप। तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रीसिंग कैसे करते हैं। तो एक साइड कोई भी तो राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में उठा के ग्रीसिंग किया जाता है। तो पहले हम लोग एक साइड में उठा देते हैं, उसके बाद ग्रीसिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये गाड़ी का ग्रीसिंग करने जा रहे हैं। तो ग्रीसिंग के लिए एक साइड में हम लोग उठा चुके हैं और उठा के अभी जा रहे हैं इसका बेलो निकाल के, ग्रीस गंदा वाला जो खराब वाला ग्रीस है उसको निकालेंगे बाहर। तो दोस्तों, इस तरह से ग्रीस भरना है कप के अंदर। देखो, मैंने अच्छे से इसको भर दिया ग्रीस। अभी बूट के अंदर थोड़ा सा ग्रीस डालना है जिसको बेलो बोलते हैं। तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा ग्रीस डाल देता हूँ, देखो इतना। बूट के अंदर भर दिया वो ग्रीस। अभी बूट इसके ऊपर, कप के ऊपर चढ़ा के लेते हैं। ये अच्छे से चढ़ चुका है और जो बाहर का जो गंदा ग्रीस लगा हुआ है उसको साफ कर देना है। देखो दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है और बूट भी अच्छे से फिट हो चुका है। अभी ऐसे सेम ना दूसरे साइड में करना है, इंजन की तरफ जो कप लगा हुआ है। दोस्तों, कभी भी ग्रीस निकाल रहे हो तो आप एक नहीं तो पेपर का इस्तेमाल करो, नहीं तो आपके पास फुट्टा रहेगा तो फुट्टे में भी ग्रीस डाल सकते हो। तो अभी ये साइड का अच्छे से साफ करके लेते हैं, उसके बाद इसमें ग्रीस भरते हैं। मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है, अभी ग्रीस इसके अंदर डालेंगे कप के अंदर। अब ये बूट को चढ़ा देंगे कप के ऊपर और इसको अच्छे से साफ कर देंगे। एक साइड में दोनों बूट को अच्छे से साफ कर दिया हूँ और ग्रीसिंग भी कर दिया हूँ। तो ऐसे सेम ना दूसरे साइड में भी किया जाता है। तो अभी इसको जो एक्सल है, व्हील एक्सल, उसको भी ग्रीसिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसका निप्पल है तो ये खोल के इसके अंदर ग्रीसिंग करेंगे। तो ये निप्पल है, इसको खोल के ग्रीसिंग करना है। तो वह निप्पल निकाल दिया और अच्छे से यहाँ पे साफ करके लेना है और ये ग्रीसिंग पंप है, देखो इस तरह से करना है। ये साइड से ग्रीस आएगा जब भी ग्रीसिंग करेंगे। तो दोस्तों, ग्रीसिंग करते समय पे वाइड ग्रीस निकलने लगा तो समझ जाओ एक्सल के अंदर ग्रीस अच्छे से चला गया है, अच्छा वाला ग्रीस, ठीक है। तो ये साइड का ग्रीसिंग हो चुका है, अभी निप्पल फिट कर देते हैं। तो ये निप्पल को अच्छे से मैंने साफ कर दिया है, फिर फिट करता हूँ। तो अच्छे से मैंने इसको फिट कर दिया और पीछे तरफ साफ करके लेना है जो जूना वाला ग्रीस है उसको। दोस्तों, अब ये साइड का ग्रीस अच्छे से हो चुका है,
अभी राइट साइड का ग्रीसिंग करेंगे तो वो साइड भी उठा के ग्रीसिंग करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट वो साइड का ग्रीसिंग करके लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ कैसे ग्रीस करना है। देखो दोस्तों, इस साइड का भी अच्छे से ग्रीसिंग हो चुका है, अभी निप्पल मार के लेते हैं इसका। दोस्तों देखे, अच्छा वाला ग्रीस निकला बाहर, तो अभी ग्रीसिंग नहीं करना है, ठीक है। गंदे वाला पहले निकल गया, उसके बाद अभी क्लीन अच्छा ग्रीस निकल रहा है, तो अभी ग्रीसिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं। अभी इसको अच्छे से निप्पल लगा के फिट कर देना है। अभी ये साइड का ग्रीस हो चुका है अच्छे से, अभी आगे की तरफ ग्रीसिंग करेंगे। तो दोस्तों, एक कप के अंदर जो जूना ग्रीस है उसको निकाल देना है, फिर वो इस तरह से इसको पूरा साफ कर देना है। ये अंदर अच्छे से साफ करना है। यहाँ से ग्रीसिंग करना है, यहाँ पे एक निप्पल का होल रहता है यहाँ पे, एक गंदा ग्रीस बाहर निकालना है। इसके अंदर अच्छा वाला भी ग्रीस है, तो दोस्तों इसके अंदर एक वाइसर है, डिस्टेंस वाइसर, वो अंदर ही रहना चाहिए, बाहर निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है।
आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो अभी ये कप के अंदर ग्रीस भर के लेते हैं। देखिए अच्छे से मैंने इसके अंदर ग्रीस भर दी है और अभी इसको फिटिंग कर देना है। देखो इस तरह से लगाना है इसको, पहले ऐसे लेफ्ट साइड में घुमा देना है और बराबर फिट होने के बाद इसको टाइट कर देना है। दोस्तों जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ग्रीस था वो बाहर की तरफ निकल रहा है, ये देखो यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने एक कवर को अच्छे से साफ कर दिया है और इसके ऊपर फिट कर देना है और स्क्रू लगा देना है। तो दोस्तों आगे का ग्रीसिंग अच्छे से हो चुका है एक्सल का। अभी ये जो पिन का है इसको ग्रीसिंग करेंगे, तो ये निप्पल खोलना पड़ता है, तो ये निप्पल खोल के ग्रीसिंग करना है। ये देखो इस तरह से खोलना है, आपके पास पाना रहेगा तो पाने से भी खोल सकते हो आप। मैं पकड़ से खोलता हूँ और ज़्यादा टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं इसको। तो दोस्तों इसको पेसर से एकदम टाइट करके, मतलब पेसर से इसको ग्रीसिंग करना है। तो मैंने पहले कपड़ा लगा दिया इसको अच्छे से और उसके बाद मैं ग्रीसिंग कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ से तो नॉर्मल में ग्रीस निकल रहा है, नॉर्मल में एकदम हल्के से। तो बस इसका ग्रीसिंग हो चुका है और किसी किसी में ग्रीस नहीं निकलता है तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें इसके पिन में थोड़ा प्ले आ गया इसीलिए ग्रीस निकल रहा है। तो इसका ग्रीसिंग हो चुका है पिन का, अब इसका निप्पल फिट कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा ग्रीस लगा दिया हूँ ताकि ये जो इसके अंदर एक लॉक है वो ख़राब ना हो। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे ग्रीस लगा दिया है। अभी ये पूरा ग्रीसिंग हो चुका है, थोड़ा ऑयलिंग भी करना है। तो आपको जमता रहेगा तो ऑयलिंग आप कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा ऑयल डाल सकते हो, लेकिन इसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं नहीं डालने वाला। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे आप लोग के लिए नए नए वीडियो लाते रहूँगा। गुड बाय दोस्तों।